हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज के बारे में, बताऊंगी कि कटोरी ब्लाउज एकदम सिंपल तरीके से किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कटोरी ब्लाउज एकदम आसान तरीके से किस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको 32, 34 और 36 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, किस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हैं और आसानी से आप कटिंग सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी होती है। ब्लाउज की लंबाई लेके हमको उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना होता है सिलाई के लिए। तो जो भी आप ब्लाउज की कटिंग करें, तो जो ब्लाउज की जो रेडी लेंथ होती है लंबाई, उसमें आपको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई के लिए। तो जैसे ये 12 इंच लंबाई है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 13 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, निशान लगा देना है। और यहाँ से इसको हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे, एकदम सीधी लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम पहले कट कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये हमने लंबाई ले ली है, इस तरह से लंबाई ले लेनी है आपको। ये हमने लंबाई ले ली है। अब हमको शोल्डर लेना होता है। चाहे आप 32 ब्लाउज का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको शोल्डर लेना है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर, 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच, इस तरह से एक बॉक्स तैयार करना है। इस तरह से बॉक्स तैयार करना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, यहाँ से बैक साइड की देंगे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे बैक साइड के लिए गोलाई आर्म होल की, और फ्रंट साइड के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और गोल शेप दे देना है। इस तरह से गोल शेप दे देना है। ये हो गया हमारा शोल्डर और आर्म होल हमने ले लिया है। अब हम गले की लंबाई लेंगे फ्रंट साइड की, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया है, तो 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई लेंगे, 2.5 इंच। और यहाँ से हम सीधा गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, पर निशान लगाना है। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से, बॉक्स तैयार करेंगे। और यहाँ से गोल शेप दे देना है। इस तरह से गोल शेप दे देना है। अब हम नीचे से, नीचे के साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और गोल ये सीधा कर देना है इस लाइन को।
इस तरह से सीधा कर देना है। अब हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। जैसे आपको 32 साइज का ब्लाउज कटिंग करना हो तो हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। तो 32 साइज का है तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और अगर आपको 34 साइज का ब्लाउज कटिंग करना हो तो आप 1/4 लेंगे 34 साइज का, 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। और अगर आपको 36 साइज का ब्लाउज कटिंग करना हो, कटोरी ब्लाउज कटिंग, तो आपको 36 साइज के लिए 1/4 लेना है 9 इंच, तो इस तरह से 9 इंच पर इस निशान लगा देना है। प्लस उसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अगर 32 है चेस्ट तो हम 1/4 8 इंच लिया है तो 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अगर 34 है तो 2 इंच लेंगे, अगर 36 है तो 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह से हम सिलाई मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन लेंगे इस तरह से। और ये जो हमने बेल्ट लिया है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से तिरछी लाइन इस तरह से कर देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट का शेप आ जाएगा इस तरह से। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। अगर आपको 32 साइज की कटोरी निकालनी हो तो आप यहाँ से टेप रखेंगे इस तरह से, और प्लस उसमें 2 इंच हम मार्जिन लेंगे तो 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम टेप रखेंगे तो जो 32 साइज की जो आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसका जो कटोरी का निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर लगाएंगे, इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाना है। और अगर आपको 34 साइज की जो कटोरी बनानी है तो आप इस तरह से टेप रखेंगे और 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे, 5.25 इंच पर, सॉरी, इस तरह से 5.25 इंच पर 34 साइज की आप कटोरी निकाल सकते हैं। और अगर आपको 36 साइज का कटोरी निकालना है तो आप इस तरह से टेप रख के 36 साइज का कटोरी का निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर, इस तरह से निशान लगाने होते हैं आपको। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से जो आर्म होल लिया है हमने फ्रंट साइड का, वहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की साइड से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और गोल शेप दे देंगे। अगर आप जो भी साइज की कटोरी बनानी हो आपको, 32, 34, 36, ये मैंने आपको निशान बताए हैं, इस तरह से निशान लगाने हैं कटोरी का। यहाँ से 2 इंच लेना है, और जो भी साइज की आपको बनानी हो, 32, 34, 36, तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है और कटोरी का इस तरह से आपको गोल शेप दे देना है, इस तरह से कटोरी को आपको गोल शेप दे देना है, इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। तो हमारी ये जो कटोरी है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो मैंने आपको 32, 34 और 36 साइज की जो कटोरी होती है उसका नाप बताया, किस नाप से आपको कटोरी लेनी है और किस तरह से आपको उसका शेप लगाना है, इस तरह से शेप लगाना है। प्लस उसमें 2 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, इस तरह से। तो आप ये तीनों साइज की आसानी से कटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। बस जो भी साइज की आपको ब्लाउज कटिंग करनी हो, 32, 34, 36,
तो उसका 1/4 लेना है प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन लेना है। और यहाँ से हम टेप रखेंगे, बेल्ट के साइड से यहाँ से टेप रखेंगे। और जो भी आपको 32, 34, 36 साइज की कटोरी बनानी हो, तो मैंने आपको निशान बताया है किस साइज की हमको कटोरी लेनी है, 32 के लिए, 34 के लिए और 36 साइज के लिए। किस साइज की आपको कटोरी लेनी है उस साइज पर आपको निशान लगाना है, उस पॉइंट पर निशान लगाना है। और ये आर्म होल से हमको 2 इंच लेना है, 2 या 2.5 आप ले सकते हैं आराम से। और गले की तरफ से 1 इंच लेना है। और ये जो तीनों पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला देना है, तो ये हमारी कटोरी इस तरह से आ जाएगी। अब मैं आपको कटोरी किस तरह से बढ़ाते हैं, जो भी साइज को आपको बनानी हो, कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो किस तरह से कटोरी बढ़ाते हैं वो बताऊंगी मैं आपको, तो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड पेपर लिया है, डबल फोल्ड पेपर लिया है ताकि बैक साइड और फ्रंट साइड हमारा निकल आता है डबल फोल्ड पेपर में। तो सबसे पहले जो बैक साइड की हमने गोलाई दी है आर्म होल की, वो कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये कटिंग हो गई है। ये हमारा बेल्ट है, हमारा फ्रंट साइड का, ये हमारी कटोरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कटोरी किस तरह से बढ़ाई जाती है। मैंने आपको साइज बताया है 32, 34 और 36, तो आपको कटोरी बढ़ाना मैं बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। तो ये हमने दूसरा पेपर ले लिया है। और ये जो कटोरी है हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से कटोरी रखनी है और इसको ड्रॉ कर देना है। इसको पूरा जैसे है वैसे ही पहले हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने, ये जैसी कटोरी है वैसे ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको बढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ से टेप रखना है इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच निशान लगा देना है आपको, 1 इंच पर, यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर देंगे, इस लाइन को सीधा कर देना है, एकदम सीधा कर देना है। और ये जो गला है हमारा, यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, यहाँ से 1/2 इंच लेना है। और इस तरह से गोल शेप दे देना है, जहाँ तक हमने 1 इंच लिया है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है। और ये जो है इसको यहाँ से तिरछा मिला देना है तिरछे में। अब ये जो कटोरी ली है हमने, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से इसको टेप रखना है, इस तरह से टेप रखना है। और टेप रखने के बाद हम यहाँ से इसको हाफ करेंगे। यहाँ से हाफ करने के बाद सेंटर में एक निशान लगा देंगे, सेंटर में निशान लगा देंगे। और यहाँ से नीचे कैसे, नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। अब इसको हम तिरछे में यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारी कटोरी हमने बढ़ाई है। तो इस तरह से आप जो भी साइज हो कटोरी का, इस तरह से आप आराम से बढ़ा सकते हैं। कोई सा भी साइज हो, 32, 34, 36, जो भी साइज हो कटोरी का,
तो आपको इसी तरह से कटोरी को बढ़ाना है, 1 इंच यहाँ से लेना है, 1 इंच यहाँ से लेना है, 1/2 इंच यहाँ से लेना है सिलाई के लिए, और नीचे के साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को तिरछे में इस तरह से मिला देना है। तो हमारी कटोरी निकल आएगी बड़े साइज की। इस तरह से कटोरी को बढ़ाना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से मैंने आपको कटिंग बताई है, 34, 32, 34 और 36 साइज की मैंने आपको कटोरी कटिंग बताई है, पेपर कटिंग। तो इस तरह से आप आसानी से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, 32, 34, 36 साइज की आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको कटोरी किस तरह से बढ़ानी है, कोई सा भी साइज हो कटोरी का, तो किस तरह से बढ़ानी है मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप कटोरी के आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।